Shut up and sit down. अंश 3 उपसंहार। अब तक आप क्रोध के मूल रूप, कारण और क्रोध पर संयम की आवश्यकता से भली भांति परिचित हो चुके हैं। निबंध के अंत यानी उपसंहार या समाप्ति पर आते आते लेखक ने क्रोध आने के सभी कारणों और उनके प्रकट न कर सकने की असमर्थता को अमर्श नाम दिया है। आइए इस अमर्श की विशेष जानकारी प्राप्त करें। मुख्यतः दूसरे पर क्रोध बढ़ने के क्रमशः 3 कारण होते हैं। पहला, हमें किसी की बात बुरी लगी हो। दूसरा, वह बात बुरी लगने के कारण सहन न होती हो। और तीसरा, सहन न होने की स्थिति में वह दुखयुक्त क्रोध व्यक्ति के अंदर ही जमा हो जाए। क्रमशः इन तीनों स्थितियों के बाद जो क्रोध की अवस्था होती है उसे अमर्श कहते हैं। यह अमर्श वस्तुतः वह दुख या द्वेष है जो विपक्षी या शत्रु का कोई उपकार अथवा बुरा न कर सकने के कारण पैदा होता है। उसमें व्यक्ति का ध्यान लगातार दुख पहुंचाने वाले की ओर ही लगा रहता है, जिससे उसकी सहनशीलता भी खत्म होती चली जाती है। वह विपक्षी के शक्तिशाली, अधिक प्रभावशाली अथवा बहुत समृद्ध होने के कारण उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो अपने क्रोध को केवल कठोर शब्दों में ही व्यक्त कर अपनी भड़ास या गर्मी निकाल लेता है। उचित अवसर प्राप्त होने पर वह उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। इस प्रकार लेखक ने दैनिक जीवन में विभिन्न अवसरों पर पैदा होने वाले क्रोध, उसके प्रकट करने के तरीके, उससे होने वाली हानियां, उससे होने वाले समाज के हित तथा क्रोध के विभिन्न रूपों के मनोवैज्ञानिक वर्णन कर क्रोध पर विवेक का संयम रखने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है, ताकि क्रोध के अंधेपन में व्यक्ति अपना संतुलन ही न खो बैठे। पाठकत प्रश्न 26.2। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। 1. किसी बात का बुरा न लगना, उसकी असहायता का शोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना। क. बैर कहलाता है। ख. चिड़चिड़ाहट है। ग. प्रतिकार कहलाता है। घ. अमर्श कहलाता है। इसका सही उत्तर है घ. अमर्श कहलाता है। 2. क्रोध की वह अवस्था सबसे सुंदर है जिसमें मनुष्य क. पत्थर को चूर चूर करने लगता है। ख. अपना सिर फोड़ने लगता है। ग. दुख अपना है या पराया, इस ज्ञान से मुक्त रहता है। घ. राधेश्याम कहने मात्र से ही चिढ़ता है। इसका सही उत्तर है ग. दुख अपना है या पराया, इस ज्ञान से मुक्त रहता है। 3. उपयुक्त शब्द या मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क. मैं तुम्हें डैश में मिला दूंगा, इसका उत्तर है धूल या मिट्टी। ख. मैं तुम्हारी डैश खोद कर फेंक दूंगा, इसका उत्तर है जड़े। ग. अब तक तो मैं डैश आया, अब नहीं रह सकता, इसका उत्तर है सहता। घ. मैं तुम्हारा डैश नोच लूंगा, इसका उत्तर है मुंह। अंग. कभी कभी लोग क्रोध में अपना डैश पटक देते हैं, इसका उत्तर है सिर। 26.4 भाषा शैली। आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार और समीक्षक पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इस विचारात्मक निबंध की रचना की है। शुल्क जी की भाषा गंभीर, तत्समनिष्ठ, साहित्यिक और प्रभावोत्पादक है। विषय के अनुरूप लेखक ने इस निबंध में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक किया है, जैसे साक्षात्कार, मनोविकार, आविर्भाव, विवेक, अंकुश, पर दुकातरता, चीर निवृत्ति, निर्विशेषता आदि। परंतु विषय के अनुकूल देशज और विदेशी शब्दों जैसे मुरब्बा, चिड़चिड़ाहट, फुर्तीला, दुनियादार, मट्ठा, तमाचा आदि को भी सहज ही स्वीकार किया है। भाषा की सबसे बड़ी विशेषता समासयुक्त और संधियुक्त होना है, जैसे मनोविकार, परपीड़, कोन्मुख, आविर्भाव आदि शब्दों के साथ ही वह विभिन्न उपसर्ग युक्त शब्दों का प्रयोग भी सहज ही कर देते हैं, जैसे प्रतिकार, परिज्ञान, अनन्य आदि। आप जानते हैं कि निबंध के अनेक प्रकार होते हैं। इनमें से प्रमुख है वर्णात्मक, भावात्मक और विचारात्मक। आवश्यकतानुसार इनमें अलग अलग शैलियों का उपयोग किया जाता है। वर्णात्मक निबंध में बात को फैलाकर कहा जाता है, इसीलिए इसे व्यास शैली में लिखा जाता है। भावात्मक निबंध में भावुकता के तत्व के कारण तरंग और विक्षेप शैली होती है। विचारात्मक निबंध गंभीर होता है, उसमें अधिकतर सूत्र शैली का प्रयोग किया जाता है। सूत्र शैली का अर्थ है अत्यधिक सार या संक्षिप्त रूप में विचार प्रस्तुत करना। देखने में तो वह वाक्य छोटा लगता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी बात या घटना छिपी होती है। क्रोध में इस शैली को आप अनेक स्थानों पर देख सकते हैं। छोटे छोटे अर्थ गर्भित वाक्यों में गागर में सागर भरने का शुक्ल जी का प्रयास सचमुच प्रशंसनीय है। जैसे 1. क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। 2. क्रोध वैर का अचार या मुरब्बा है। 3. दंड कोप का एक विधान है। इतना ही नहीं, विभिन्न ऐतिहासिक तथा पौराणिक अनुक्रियाओं को पिरोकर लेखक ने क्रोध निबंध की रोचकता और उपयोगिता को बढ़ा दिया है।
जैसे वाल्मीकि की रामायण की रचना, श्री कृष्ण का शिशुपाल वध और श्री राम का रावण और बाली वध आदि। इसी के साथ साथ दैनिक जीवन में घटित होने वाली छोटी छोटी महत्वहीन घटनाओं को लेकर क्रोध की प्रासंगिकता को स्पष्ट करना भी शुक्ल जी की भाषा शैली की विशेषता ही है। जैसे रेल पर सवार व्यक्तियों को तमाचा मारना, राधेश्याम या सीताराम कहने मात्र से किसी का चिढ़ना तथा प्रयास करने पर भी चूल्हा न जलने पर ब्राह्मण देवता का क्रोध होकर आग में पानी डालना, ये प्रसंग हमारे दैनिक जीवन में घटित होते रहते हैं। शुक्ल जी ने इस निबंध में लोक प्रचलित मुहावरों का प्रयोग कर इसमें प्रवाह और प्रभाव का विशेष संचार किया है। एक ही वाक्य में दो तीन मुहावरों का प्रयोग दर्शनीय है। जब कोई दांत पीसता और गरजता हुआ यह कहने लगे कि मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा, इस तरह के वाक्यों से हमारे सामने एक क्रोधी का चित्र सा खिंच जाता है। अन्यत्र भी लेखक ने टेढ़ी सीधी सुनाना, सिर पटकना, किनारे होना तथा ऊंची नीची पचाना आदि मुहावरों का बड़ी कुशलता पूर्वक प्रयोग किया है, जिससे विषय में गंभीरता के साथ साथ हास्य व्यंग की छटा पाठक को मोह लेती है। हिंदी भाषा में मुख्यतः दो प्रकार से शब्दों की रचना की जा सकती है, पहली है उपसर्ग द्वारा और दूसरी प्रत्यय द्वारा। जब मूल शब्द से पहले कुछ जोड़ देते हैं तो उसे उपसर्ग कहते हैं, जब मूल शब्द के बाद कुछ जोड़कर नया शब्द बना देते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत में अ और अनुपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जोड़कर विपरीतार्थक शब्द बना लिए जाते हैं, जिनका नियम बहुत स्पष्ट है। आज हिंदी में इन दोनों उपसर्गों का प्रयोग स्वीकार्य है। अ, जब कोई शब्द व्यंजन से प्रारंभ हो, इस पाठ में ही निम्नलिखित शब्द इस प्रकार के हैं: अपरिचित, अ प्लस परिचित, जो परिचित नहीं है, अपरिष्कृत, अ प्लस परिष्कृत, जो परिष्कृत नहीं है, अव्यवस्था, अ प्लस व्यवस्था, जहाँ व्यवस्था नहीं है। अन, जब कोई शब्द स्वर से प्रारंभ हो, इस पाठ में ही निम्नलिखित शब्द इस प्रकार है: अनर्थ, अन प्लस अर्थ, जिसका अर्थ नहीं है, अर्थ का विपरीतार्थक, अनुचित, अन प्लस उचित, जो उचित नहीं है। टिप्पणी, हिंदी का अन उपसर्ग भी विपरीत अर्थ देने के लिए हिंदी के शब्दों में लगाया जाता है। अनपढ़, अन प्लस पढ़, जो पढ़ा नहीं है, अनजान, अन प्लस जान, जिसको जानते नहीं है। अभी, अधिकता लाने के लिए इस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, इस पाठ में प्रयुक्त यह शब्द देखिए। अभिमान, अभी प्लस मान, जिसमें अधिक मान या घमंड है, आजकल वैशिष्ट्य लाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। रक्षा, अभिरक्षा, विशेष रूप से की गई रक्षा। भाषण, अभिभाषण, सामान्य भाषण से विशेष। इसी प्रकार शब्द के अंत में किसी प्रत्यय को लगाकर नया शब्द बना दिया जाता है। विशेषण से भावात्मक संज्ञा बनाने के लिए दो प्रत्यय है, ता मानव प्लस ता मानवता। पाठ में आए हुए इस प्रकार के शब्द हैं कठोरता, कायरता, शिथिलता, निर्विशेषता आदि। पन, लड़का प्लस पन, लड़कपन, स्पष्ट है कि लड़का का अंत दीर्घ रूप हस्व। इसी प्रकार का अन्य शब्द है बच्चा प्लस पन, बचपन। इसी प्रकार के अन्य शब्द है अंधापन, खट्टापन, कठोरपन आदि। जीविकावाचक पेशा स्पष्ट करने के लिए दान प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे जमी जमीन प्लस दार जमींदार। अन्य शब्द है खबरदार, चौकीदार आदि। पाठकत प्रश्न 26.3, दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? क प्रतिकार, ख फुर्तीला, ग आंख, घ आविर्भाव। इसका सही उत्तर है ख फुर्तीला। दो, निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? क मनोविकार, ख दुर्व्यवहार, ग पश्चाताप, घ आविर्भाव। इसका सही उत्तर है ग पश्चाताप। तीन, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा है? क आलंबन, ख अव्यवस्था, ग चिड़चिड़ाहट, घ मनोविकार। इसका सही उत्तर है ग चिड़चिड़ाहट। चार, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? क अधिकतर, ख अनर्थ, ग प्रतिकार, घ अपरिचित। इसका सही उत्तर है क अधिकतर। पाँच, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे का प्रयोग है? क क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार से उत्पन्न होता है, ख क्रोध वैर का आचार या मुरब्बा है, ग तुमने मुझे समझा क्या है, मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा, घ मूर्खता मूर्ख को चाहे रुलाए पर दुनिया को तो हंसाती ही है। इसका सही उत्तर है ग तुमने मुझे समझा क्या है, मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा। 26.5, भाषा प्रयोग, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। एक, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। दो, वह चट मट्ठा और कुदाली लेकर पहुंचा और कुशों को उखाड़ कर उनकी जड़ों में मट्ठा देने लगा। तीन, यदि आपने उसी समय मार दिया तो आपने क्रोध किया। वाक्य एक में एक ही क्रिया है जो कर्ता पद
क्रोध की जरूरत से जुड़ी है। इसे सरल वाक्य कहते हैं। वाक्य दो में दो स्वतंत्र वाक्य है, उन्हें और योजक से संयुक्त किया गया है, इसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तीसरे वाक्य में दो क्रिया भेद है और दो वाक्यांश भी, पर एक वाक्यांश मुख्य अर्थ दे रहा है, आपने क्रोध किया। दूसरा पहले वाक्यांश की शर्त बता रहा है और पहले के आश्रित है, ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहा जाता है। 26.6 आपने क्या सीखा? एक, क्रोध मनुष्य के हृदय में स्थित वह भाव है जो दूसरे द्वारा सताए जाने पर या इच्छा के अनुकूल काम न करने पर या अपने पराए की भावना उत्पन्न होने पर स्वतः ही पैदा होता है। दो, क्रोध की आवश्यकता लोक हित के लिए भी होती है, ऐसी स्थिति में अक्सर वह साहित्य का रूप ले लेता है। तीन, क्रोध कभी कभी घातक भी सिद्ध होता है, इससे बनते काम बिगड़ जाते हैं। क्रोध करने से मानसिक शांति भंग हो जाती है, ऐसे समय मानसिक संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक हो जाता है, किसी भी प्रकार से क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। चार, क्रोध जब किसी कारणवश प्रकट नहीं हो पाता तो वैर का रूप ले लेता है, शुक्ल जी ने इसे अचार या मुरब्बा कहा है। इस प्रकार के क्रोध भाव का संचयन बच्चों तथा जानवरों में नहीं होता, अतः उनमें वैर भाव नहीं होता। 5, संपूर्ण निबंध में तत्समनिष्ठ शैली और प्रवाहपूर्ण मुहावरों का सार्थक प्रयोग हुआ है। 6, पारिभाषिक और सुक्तिमय वाक्यावली का प्रयोग, जैसे क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, दंड कोप का ही एक विधान है, मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा। 7, शब्द रचना मुख्यतः दो प्रकार से होती है, पहली उपसर्ग जोड़कर और दूसरी प्रत्यय जोड़कर, जैसे अनजान नासमझ उपसर्ग, पानदान समझदार प्रत्यय। योग्यता विस्तार। क, लेखक परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश में ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। सन 1910 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दकोश निर्माण में सहायक संपादक के पद पर कार्य कर शुक्ल जी ने अपनी हिंदी योग्यता की अमीर छाप छोड़ी। सर्वप्रथम आपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जो आज भी प्रामाणिक है। इसके अतिरिक्त आपकी अनेक रचनाएं हैं, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, सूरदास तुलसीदास तथा चिंतामणि कई भागों में, चिंतामणि आलोचनात्मक साहित्यिक और विचार प्रधान मनोवैज्ञानिक निबंधों का संग्रह है। क्रोध निबंध आपकी पुस्तक चिंतामणि संकलन से ही लिया गया है। शुक्ल जी की भाषा शैली की विशेषताएं इस प्रकार है। 1, प्रवाहपूर्ण विचार प्रधान तत्समनिष्ठ भाषा। 2, क्रमबद्धता और विचारों की एक सूत्रता, जैसे क्रोध का वैर से अमर्श की ओर क्रमशः बढ़ना। 3, विभिन्न उदाहरणों को देकर विषय को समझाने का प्रभावपूर्ण तरीका, जैसे यात्रियों का परस्पर तमाचा मारना, चाणक्य का कुछ शुभने पर उसकी जड़ों को उखाड़ना आदि। संक्षेप में कहा जा सकता है, उनकी भाषा शैली उनके व्यक्तित्व की छाप छोड़ती है। ख, क्रोध स्थायी भाव से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। हिंदी साहित्य में नौ रस और उनके स्थायी भाव निम्नलिखित प्रकार से है। रस, श्रृंगार, स्थायी भाव रति। रस, हास्य, वीर, करुण, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, रौद्र। स्थायी भाव, हास, उत्साह, शोक, भय, घृणा, विस्मय, निर्वेद, शम, क्रोध। साहित्य में वर्णित इन नौ रसों के नाम तथा स्थायी भाव याद कीजिए।